अमेरिका निर्वाचन पूर्व अर्थात 5 तारीख किंवा पूर्व ईरान आटाक करिपरे बोली इज्राइल गुइंदा संस्थार रिपोर्ट को नहीं बड़ हलचल देखा मिली। आक्रमण में बहु संख्यार ड्रोन और बालिस्टिक मिसाइल व्यवहार करिपरे ईरान। इराक रु यह आक्रमण होबा नहीं संकेत मिलू। पूर्व ईरान उपर इज्राइल 200 अधिक मिसाइल एवं बदला ने बड़ प्रस्तुति करान। इज्राइल मिलिटरी बेस आक्रमण करिपरे ईरान। इज्राइली गुइंदा संस्था मोसाद रिपोर्ट पर सारा विश्व में चांचल्य खेली जाए। संपर्क में आमेरिका को इज्राइल अवगत कराई। आमेरिका निर्वाचन पूर्व यह आक्रमण पर ईरान प्रस्तुत बोली इज्राइल गुइंदा संस्था केतक ग्राउंड आक्टिविटीज जापारे। ईरान युद्ध नहीं प्रस्तुति करुवा केतक सैटेलाइट इमेज जमापड़ गत अक्टोबर 25 तारीख में ईरान उपर आक्रमण कर इज्राइल। ईरान आकाश उपर युद्ध विमान उड़ाइवा बालिस्टिक मिसाइल आक्रमण कर घटना पर ईरान पलटा आक्रमण करने प्रस्तुत हो। तो वर्तमान समय एभली युद्धर घनघटा बढ़ी जाइए। यार भितर ईरान बड़ प्रस्तुति करुच्छी जे नवंबर 5 थी पूर्व आटाक करें। आप जानते जो यूएस इलेक्शन रही पूर्व ईरान भयंकर युद्ध करप्राचर हो कि भयंकर युद्ध इज्राइल उपर बड़धरण आक्रमण करें ईरान जो चर्चा वर्तमान समय उठी। आमेरिका निर्वाचन पूर्व ईरान बदला नहीं पारे एपाई जोरदार प्रस्तुति करते इज्राइल मिलिटरी बेस आक्रमण करें यार भितर समस्त नजर रही। बड़ कथा कि आमेरिका निर्वाचन पूर्व ईरान यही आक्रमण करिपरे बोली जहाँ वर्तमान समय सूचना आसूब। यार भितर इज्राइल पूरा स्ट्राटेजी प्रस्तुत करी इज्राइल उपर बड़ आक्रमण कर चिंता करुच्छी। ईरान आमेरिका निर्वाचन पूर्व अर्थात 5 तारीख ता पूर्व ईरान उपर ईरान देखिए कि आटाक करिपरे बोली इज्राइल गुइंदा संस्थार रिपोर्ट को नहीं बड़ हलचल देखा मिली। विक्रम मो सहयोगी वर्तमान समय पलायन अच्छा विक्रम जिते बड़े ईरान गोटे बड़ स्ट्राटेजी करुच्छी किभली भाव में इज्राइल उपर आटाक करापी इज्राइल मिलिटरी बेस कथा कहतु आ गुरुत्वपूर्ण स्थान में तापी ठीक यूएस निर्वाचन पूर्व कि समय देखिए कि कर चिंता करुच्ची अर्थात ईरान गोटे बड़ प्लान करुच्ची कि इज्राइल जो आक्रमण कर प्रति आक्रमण आम देखीलु तो एक क्षेत्र में बदला ने चेषा कर कि ईरान निश्चित भाव में देखु कारण ये घटना जो संपर्क में सूचना आसी मोसाद रिपोर्ट रू जहां स्पष्ट रही मोसाद आप जानते विश्वर गोटे प्रमुख एवं स्वच्छ इंटेलिजेंस एजेन्सी तार सूत्र जो खबर आसी खबर निहाती भाव में किसी ना कि सत्यता थपे बड़ कथा हूँ आप जो कथा कहले जे आमेरिका इलेक्शन जो समय चली समय ही आक्रमण होती हूत से समय इज्राइल प्रस्तुत अमेरिका प्रस्तुत नार रिटालिएशन करने यार जवाब देवाई आउ तृतीय कथा हूँ ये आक्रमण इराक रु हम अर्थात इराक रु हम मैंने क्या मैंने लो अल्टीट्यूड रो विपन्स रही बेसी भाव में व्यवहार करें कारण से इज्राइल पाखे अवस्थित इराक रो अवस्थित रही जियोग्राफिकल तार एरिया रही इज्राइल सीमा पाखापाखी अंचल रही जो सेठू अल्प दूरगामी जो क्षेपणास्त्र गुड़िका कि क्रूज मिसाइल हैगुड़िक सहजे उत्क्षेपण करी इज्राइल अटैक कर आप जानते जितेबाद इज्राइल बदला नेला ईरान उपर ईरान जो अक्टोबर प्रथम सप्ताह ईरान आक्रमण करते तार बदला नेला इज्राइल गत सप्ताह जितेबाद ईरान जो मैंने रही लीडरशिप अर्थात खास कर आम जी कह आयतला खामनेई सेना को प्रस्तुत रही निर्देश दीते या पक्षर कारण हूँ सेना प्रस्तुत रक्षर कारण हूँ जेकोसी मुहूर्त में अर्डर आसपे बर्तमान जहां सूचना मिलू आज 2 तारीख है 5 तारीख पूर्व हूं तो आटाक नहीं पारे 5 तारीख रही तो 5 तारीख कि पूर्व कहीं आटाक हो पारे संकेत मिलूँ। ईरान आक्रमण करने कौन प्रकृत में ग्राउंड आक्टिविटी संकेत मिलू ना कौन प्रकृत में इज्राइल गुइंदा संस्था को सुराग मिली। देखु आमेरिकार जो निर्वाचन रही रही 4 तारीख में रही तेणु 5 तारीख पूर्व हेल्ले आमेरिका सेपटे निज निर्वाचन परिचालन व्यस्त थी। द्वितीय कथा हूँ जे आमेरिकार निर्वाचन यार प्रभाव पड़ तेणुकर निहाती भाव में ये आक्रमण को सही सब कथ को दृष्टि रखि करपक्ष आमेरिकार जो सहयोग मिलवा कथ तार जो इंटेलिजेन्स हो कि तार जो सेनार जो सहयोग मिलवा कथा ता हुए तो तुरंत मिलवे कष्टकर हो पाए से ये गोटे हईचई करने प्रकार स्ट्राटेजी हुए तो ईरान करे आगामी समय जितेबाद ये आक्रमण हब कि न हम से कौन इंपैक्ट पड़ा केोर के अटैक हो
हिसाबे तार इंपैक्ट को आम कलना करबर आसी ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ କିଛି ଦିନ ନିରବ ରହିଲା ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇରାନ ଉପରେ ଏବଂ ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା କେତେକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜରୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତା ସହିତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁତୟନ କରିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜୁବିନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଭାସ ମିଳୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ବିକ୍ରମ ଇରାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି କି ଇରାନ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଢେର ଦିନରୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ଚଳେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ତା ଉପରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହବ ଏବଂ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାର ଚଳେଇଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଇରାନ ସାଧାରଣତଃ ସେ ହମାସ ନୁହେଁ କି ହିଜବୁଲ୍ଲା ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଦେଶ ଯାହା ପାଖରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତେଣୁକରି ନିହାତି ଇସ୍ରାଏଲ ସେତେବେଳେ ଇରାନ ଆଟାକ୍ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଦି ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଚୁପ୍ ରହିବନି ଯଦି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବିକ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛୁ।